Elas tão mexendo o saco. Elas querem estragar. So yo, what's up guys, kaisa kai kimchu, kya hal chal aap logo ke? Here I'm back with another video after a long time. Congratulations. So aaj ki video ka topic aap log samajh hi gaye honge, video ka title aur thumbnail dekh kar ki aaj aap un log kuch aise moments ke bare mein baat karne ja rahe hain jo har koi nahi karta. Like aap log YouTube pe dekhoge to aap logo ko accuracy ya fir marne ki baat kare to marne ke liye aap logo ko lakhon mein videos mil jayenge. Like aap logo ko marna kaise, aap logo ko sikhane ke liye lakhon hai, but aap logo ko bachna kaise, how to do a perfect moment while fighting an enemy. और आप लोगों ने पिछली वीडियो में इतने ज्यादा पॉजिटिव कमेंट किए, लाइक मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ कि मैं एक और वीडियो लेके आ चुका हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन लोग बात करें अपनी फर्स्ट ट्रिक के बारे में, तो अपना फर्स्ट मूवमेंट ट्रिक है जंप शॉट वॉल मूवमेंट. और आप लोग बोल सकते हो लाइक ये मूवमेंट एक लेवल पे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग मूवमेंट है अभी के टाइम का ब्राजील वगैरह में. अपने इंडिया में अभी शुरू ही हुआ है, लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज्यादा क्रेजी है. क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, लाइक इसको टू फिंगर प्लेयर भी यूज कर सकता है बहुत ही ज्यादा आसानी से. ये ज्यादा हार्ड नहीं है यूज करने में, बट आप लोगों को ये मूवमेंट स्क्रीन गेम प्ले में उतना ज्यादा खास नहीं दिखने वाली है. लेकिन अगर बात करें स्पेक्ट व्यू की, लाइक आप लोग अगर गिल्ड टेस्ट वगैरह दो और रूम के अंदर आप लोग पूरी प्रैक्टिस करके जाओ इस मूवमेंट की, तो लाइक आप लोगों के 50% तो हारने के चांसेस ही खत्म हो जाते हैं. और स्ट्रीमर्स की आंखों में आप लोगों को जो इंप्रेशन मिलने वाला है ना, लाइक जो इज्जत आप लोगों को स्ट्रीमर्स के द्वारा मिलने वाली है इस मूवमेंट को करने के बाद, क्योंकि ये मूवमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि इस मूवमेंट को करना कैसे है. और इस मूवमेंट के बारे में आप लोगों को बताने से पहले एक और बात बता दूं कि इस मूवमेंट को करने से पहले आप लोगों को अपना सेंसिटिविटी फुल कर देना है, जो बताने की जरूरत नहीं है फिर भी मैं बता देता हूँ. और आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट. हाँ, तो मूवमेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो करना ये है, आप लोगों को रन बटन दबाना है, उसके बाद आप लोगों को जंप बटन दबाना है, उसके बाद आप लोगों को एक फायर लेना है वो भी 90 डिग्री स्टेट काफी ज्यादा फास्ट. उसके बाद आप लोगों को जॉयस्टिक को लेफ्ट की तरफ खींच के आप लोगों को वॉल पे क्लिक करके वॉल को राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड डालना है जहाँ पे आप लोगों को जमे. और आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लाइक आप लोगों को राइट से करना है, आप लोगों को लेफ्ट से करना है, आप लोगों को दोनों साइड से करना है. और ये बहुत ज्यादा काम आएगी मॉन्टेज प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वो लोग अगर अपने स्क्रीन गेम प्ले के साथ ही साथ अपना रिप्ले क्लिप भी यूज करेंगे ना, तो काफी ज्यादा अच्छा होगा दिखने में, काफी ज्यादा हार्ड दिखने वाला है. या तो फिर बात करते हैं सेकंड मूवमेंट की. तो सेकंड मूवमेंट का मैं आप लोगों को नाम ही क्या बताऊं, क्योंकि ये मूवमेंट इस प्यार को क्या नाम दूं जैसा है, लाइक मैं इस मूवमेंट को क्या नाम दूं, फिर भी अपन लोग इसको जिगजैग मूवमेंट के नाम से बुलाते हैं. तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा आसान है, लाइक आप लोगों को बस अपना सेंसिटिविटी हार्ड रखना है, फुल रखना है. और आप लोगों को मैं एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा देता हूँ कि उसके साइड क्या दिखता है. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, एनिमी को चांस ही नहीं मिलता है, वो बस देखता रह जाता है और वो मर भी जाता है. तो इसमें करना यह है, आप लोगों को रन बटन दबाना है, उसके बाद आप लोगों को एक राइट एक लेफ्ट देते हुए आप लोगों को मैसेज बटन होता है ना, जिसमें आप लोग हेल्प मी डालते हो जब नॉक हो जाते हो बंदे को, तो उसी मैसेज बटन को आप लोगों को ड्रैग करते हुए नीचे लेके आना, क्योंकि आप लोगों के स्क्रीन गेम में भी काफी ज्यादा जान डाल देता है. और साथ ही साथ एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू तो पूछो ही मत भाई, लाइक एनिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपना गेम प्ले देख लोगे तो आप लोग खुद ही शॉक हो जाओगे कि लाइक मैं ये हूं ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता ऐसा वाला. और अपना तीसरा पॉइंट है परफेक्ट सीटअप हेडशॉट. और जिस सीटअप हेडशॉट की मैं बात करने जा रहा हूँ, उसके दो पहलू है जिसकी आप लोगों को क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए. तो सीटअप हेडशॉट के दो पहलू से मेरा मतलब है यहाँ पे टू टाइप ऑफ सीटअप हेडशॉट है, जो कि शायद आप लोगों को एक या दोनों के बारे में भी पता हो, बट द मेन थिंग इज दैट आप लोग उसको यूज नहीं करते हो, जो कि काफी ज्यादा काम आता है. लाइक आप लोग बंदे का रिकॉइल करवाने में देखो तो काफी ज्यादा काम आता है, बट आप लोग उसको यूज ही नहीं करते हो. तो पहले पहलू से बात करें तो फिर परफेक्ट सीटअप हेडशॉट से अपन बात करेंगे. लाइक आप लोगों ने इस मूवमेंट को करते हुए राइस्टार वाई को भी देखा होगा, और ये पहला वाला परफेक्ट सीटअप हेडशॉट जो है आप लोगों को सिर्फ रिकॉइल कराने में काम नहीं आता है, अगर आप लोग मॉन्टेज वीडियोस बनाते हो तो आप लोगों को ये बहुत ज्यादा काम आएगी, जो कि दूसरा वाला नहीं आएगा, क्योंकि ये पहला वाला ये मूवमेंट के साथ आप लोगों को हेडशॉट मारने में हेल्प करता है. तो परफेक्ट सीटअप हेडशॉट के लिए करना क्या है, तो परफेक्ट सीटअप हेडशॉट के लिए करना ये, तो आप लोगों को इस मूवमेंट को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोग थ्री फिंगर हो तो आप लोगों को अपना गन स्विच बटन ऑन कर लेना. अगर आप लोग नहीं हो थ्री फिंगर, आप लोग टू फिंगर ही हो, तो टू फिंगर में भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि टू फिंगर में नहीं हो सकता है, मैं खुद भी टू फिंगर में करता हूँ. तो फर्स्ट स्टेप आप लोगों को रन बटन दबाना है, और सेकंड स्टेप आप लोगों को एम लेके आप लोगों को बंदे के ऊपर ड्रैग करना है, और ड्रैग करने के साथ ही आप लोगों को दोनों बटन साथ में दबाना है, विच इज अ क्राउच बटन. लाइक आप लोगों को ड्रैग करते हुए क्राउच बटन भी दबाना है, उसके बाद आप लोगों को स्विच बटन दबाना है, अगर आप लोग थ्री फिंगर हो नहीं टू फिंगर हो तो भी चलेगा. और स्विच बटन दबाते ही आप लोगों को जंप करना है, और सेकंड साइड आप लोगों को जंप करते फिर से एम लेके आप लोगों को फिर से सब कुछ सेम तरीके से दोहराना है. अगर आप लोग नहीं समझे तो फिर से एक बार थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिए मैंने क्या क्या बोला या फिर कैसे कैसे समझाया. और मेरी बातों को फिर से सुनने के बाद, वीडियो को फिर से देखने के बाद भी आप लोग अगर टू फिंगर में ये नहीं कर पा रहे हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो लेके आ जाऊंगा जिसमें आप लोग मास्टर कर सकते हो, ऐसा मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगा, समझ रहे हो. थैंक यू.
अब ये तो बात हो गई मूवमेंट वाले गेम प्ले की, तो सेकंड बात करेंगे अपन सीट अप हेडशॉट जो नॉर्मल है, जो क्राउच हेडशॉट जो नॉर्मल है, लाइक उसमें आप लोगों को कोई भी जंप वंप नहीं करना है, आप लोगों को बस सीट अप हेडशॉट मारना है। लाइक आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल रन बटन दबाना है, उसके बाद एम लेना है, उसके बाद आप लोगों को क्राउच बटन दबाना है, उसके बाद आप लोगों को हेडशॉट मारना है। लग गया तो भी ठीक है, नहीं लगा तो भी ठीक है, आप लोग फिर से ड्रैग कर सकते हो सेम प्रोसीजर के साथ में, समझ रहे हो आप। मैं चाहता हूँ आप लोग अपने गेम में इसको ऐड करो, आप लोग इसको इन्वॉल्व करो अपने गेम प्ले में, आप लोग इसको यूज करो, क्योंकि सिर्फ जानना बड़ी बात नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करना अपने गेम प्ले के अंदर, अपने गेम प्ले को काफी ज्यादा हार्ड बनाना इज द मेन थिंग। तू समझा? हाँ। तो बात करें फोर्थ पॉइंट के, तो फोर्थ पॉइंट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और डिस्ट्रैक्टिंग भी है, लाइक क्योंकि अपन लोगों ने इसका नाम ही थोड़ा सा यूनिक रखा है, डू मूवमेंट व्हेन इज नीडेड। आप लोगों को मूवमेंट तब करनी है जब आप लोगों को जरूरत हो, तो मूवमेंट कब करनी है, आप लोगों को कभी भी अगर गेम को जीतना ही है तो आप लोगों को गेम को देखना पड़ेगा, आप लोगों को एनिमी को देखना है, एनिमी क्या कर रहा है। अगर एनिमी मूवमेंट कर रहा है तो आप लोग भी मूवमेंट कर सकते हो, लेकिन अगर एनिमी बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है तो आप लोगों को कभी भी मूवमेंट नहीं करना है, अगर एनिमी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो आप लोगों को मूवमेंट करना है, ये चीज आप लोगों को हमेशा याद रखनी है। और सेम चीज जैसा कि आप लोग देख सकते हो एनिमी पे अप्लाई हो रहा है, पहले एनिमी मूवमेंट कर रहा था तो मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया, तो मैंने मूवमेंट स्टार्ट किया तो वो वहां पे रुक गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो उसने वॉल लगाना बंद कर दिया, और जैसे उसने वॉल लगाना बंद कर दिया तो मैंने भी बंद कर दिया, तो उसने वॉल लगाना चालू किया, उसके बाद मैंने मार दिया, मतलब समझ रहे हो, पूरा डिस्ट्रैक्ट हो गया, वो समझ ही नहीं पाया कि यहाँ पे हुआ क्या। और कई सिचुएशन में आप लोग ऐसा ही कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये मेरी बात समझ आई होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, विल मीट इन दिस काइंड ऑफ अनदर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।